नमस्कार, सविताज कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर ओट्स की खिचड़ी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें हमने ये एक कटोरी ये ओट्स लिया है, ये है हमने ये वाला ओट्स लिया है सफोला ओट्स, और अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है। और इसे हम धीमे धीमे इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का हल्का भून लेंगे, इससे इसका स्वाद ना और भी अच्छा लगेगा। और आज हम इसमें डालेंगे ढेर सारी हरी हरी सब्जियां और इसे और भी सेहतमंद बना देंगे और स्वादिष्ट भी। हमारा ओट्स ड्राई रोस्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया से भुन चुका है और इसको भूनते हुए हमें लगभग 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसे इसमें निकाल लेंगे। अब हम इस पर पैन रखेंगे और हमने ओट्स को हल्का ड्राई रोस्ट करके इसमें निकाल लिया है और आज हम इसे बनाएंगे देसी घी में, तो हम इसमें देसी घी डाल देते हैं और यह क्योंकि हम इसे बहुत हेल्दी बना रहे हैं तो अब हम इसमें ये हमने हरा प्याज लिया है, अदरक लिया है, 2 सादा प्याज लिया है, 5 लहसुन की कलियां ली है, 2 हरी मिर्च ली है, इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है। हमारा घी गरम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे ये तेज पत्ता, दालचीनी और ये 4-5 लौंग, काली मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च, इनको हम गरम होने देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये जीरा, जीरा हमारा हो गया है। जीरा हमारा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हींग, ये हमने 1 कटोरी मटर ली है, ये हरी मटर है बिल्कुल ताजी, इसे भी हम इसमें डालेंगे। हमारी मटर अच्छे से भुन गई है और जो हमने हरी प्याज दी थी, हरी प्याज, अदरक, लहसुन, तो हमने इन सबको मिर्च को पीस लिया है, इसमें बारीक हमने चॉप कर लिया बिल्कुल, और इसे हम इसमें डाल देंगे। हरी प्याज का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है ओट्स की खिचड़ी में और ये हेल्दी भी है, तो इसे हम अच्छे से इसमें भूज लेंगे, इसे भी थोड़ी देर हम ढक के पका लेंगे। वाह भाई वाह, इतना बढ़िया प्याज और लहसुन की खुशबू आ रही है और हमारी मटर भी हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च और हेल्दी बनाने के लिए इसे भी हमने बारीक काट लिया था और अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। जो भी आपके घर में हरी सब्जियां हो ना इसमें जरूर डालिएगा, ये ओट्स की खिचड़ी और भी ज्यादा सेहतमंद ये साबित होगी, ये आपके खाने के आप जब इसको बना के खाओगे ना तो और भी अच्छी लगेगी ये। और इसको हम थोड़ी देर इसको ढककर थोड़ी देर और पका लेंगे। वाह जी वाह, हमारी शिमला मिर्च भी अच्छे से भुज गई है इसमें बढ़िया से और अब हम इसमें डालेंगे
ये बारीक कटी हुई गाजर जो आपके बच्चे खाते नहीं है ना, और आप इस तरीके से आप बना के खिलाएंगे, गाजर, शिमला मिर्च और जो भी अभी हम डालने वाले हैं वेजिटेबल्स, तो देखिए कैसे वे चटपट डेली बनवा के आपसे खाएंगे ये ओट्स की खिचड़ी। इसे भी हम चलिए अपनी गाजर चेक कर लेते हैं। बाद हुआ देखिए हमारी गाजर है वही बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हो गई है, भुज गई है। और अब हम इसमें डालेंगे, और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई ये पत्ता गोभी। आप जिम जाते हैं और अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ये ओट्स खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा, और मेरे YouTube चैनल सविता कुकिंग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई पत्ता गोभी को भी थोड़ी देर हम ये ढक्कन लगा के थोड़ी देर और भुजने देंगे। चलिए अपनी पत्ता गोभी को चेक कर लेते हैं। वाह भाई वाह, हमारी पत्ता गोभी बहुत बढ़िया से भुन गई है, हमने लगभग 1 मिनट तक इसको भुना है। और अब हम इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें डालेंगे पालक। ये आपके खून को भी बढ़ाएगा, आपके बच्चों के भी खून को बढ़ाएगा, और इसलिए इसमें पालक ज़रूर डालिएगा, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। और इसे भी हम थोड़ी देर इसमें बढ़िया से भून लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारी पालक भी बढ़िया से इसमें मिल गई है और गल भी गई है। और अब हम इसे और भी सेहतमंद बनाने के लिए इसमें डालेंगे चुकंदर। इसे भी हमने बारीक कट कर लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर इसको ढक कर पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। हमारी चुकंदर भी इसमें बढ़िया से घुल मिल गई है, बढ़िया से गल गई है और भुन भी गई है। और अब हम इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, आप भी सोच रहे होंगे जाने क्या क्या डाल रही है ये, बिल्कुल डालेंगे तभी तो बनेगी हमारी स्वादिष्ट और सेहतमंद ये ओट्स की खिचड़ी। तो इसमें हमने ये हमने लिया है मूंग दाल। मूंग दाल को हमने थोड़ी देर भिगो दिया था, भिगो के इसके छिलके निकाल दिए थे, और अब हम इसे इसमें ये मूंग की दाल डालेंगे। ये मूंग की दाल हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है और अच्छी भी होती है, सेहतमंद भी होती है, इसलिए इसमें हम मूंग की दाल डालेंगे। और हमने ये मूंग की दाल डाल दी है और इसे हम थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। चलिए अपने मूंग की दाल को भी हम चेक कर लेते हैं। वाह जी वाह, हमारी मूंग की दाल बहुत बढ़िया से इसमें हल्की हल्की भुन गई है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और ये है सेहत से भरपूर सेंधा नमक। इन सबको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। बढ़िया से हमारे मसाले इसमें मिल गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने 2 टमाटर लिए थे, इन्हें हमने बारीक पीस लिया है, और अब हम इसमें ये टमाटर को मिला लेंगे।
गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर देंगे और इस टमाटर को पकने तक इसको ढक के हम पकाएंगे। चलिए देखते हैं, हमारे टमाटर भी अच्छे से इसमें गल गए हैं और उनका भी स्वाद हमारे इस ओट्स की खिचड़ी में आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने रोस्ट किए थे ना ओट्स, इससे इसका स्वाद 10 गुना और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हम इसमें ये भुने हुए ओट्स डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। हमारे ओट्स अच्छे से इसमें मिल गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी। यह हमने 1 गिलास गुनगुना पानी लिया है और अब हम इसमें डालेंगे यह हल्का गुनगुना पानी। तो हम 1 गिलास इसमें पानी डाल रहे हैं और 1 गिलास और लेंगे। यह हमने हल्का सा गुनगुना किया है पानी को ताकि जो मसाले है ना तो उनका स्वाद और ज़्यादा उभर के आए और खाने में और भी बढ़िया लगे। और ये 2 गिलास इसलिए भी लिया है क्योंकि इसके बनने के बाद ना ये, क्योंकि इसमें मूंग की दाल पड़ी है और हमने इसमें मूंग की दाल भी डाली है और साथ में हमने ओट्स भी डाला है तो ये बनने के बाद ना ये गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसमें ये इसकी लिड लगाएंगे और 2 सीटी आने तक इसका इंतजार देखेंगे। मैं कुकर में सीटी आ गई है और हम इसे बंद कर देंगे। और अब हम इसको देखेंगे। वाह भाई वाह, हमारी ओट्स की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना शानदार इसका रंग निखर के आया है। और भाई धनिया के बिना तो हमारी ये ओट्स की खिचड़ी अधूरी है। तो अब इसमें पड़ेगी हरी हरी धनिया, तो हम इसमें डालेंगे धनिया धनिया और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और इसे गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद इसे सर्व करेंगे हम दही, जो हमने रायता बनाया है दही का, उससे सलाद और अचार से। तो हम इसे इसमें सर्व कर लेते हैं, इस बाउल में निकाल लेते हैं। लीजिए तैयार है सेहत से भरपूर ओट्स की खिचड़ी, साथ में है रायता सलाद और अचार। तो आप इस पौष्टिक खिचड़ी को जरूर बनाइएगा, ओट्स की खिचड़ी को, और मेरे यूट्यूब चैनल सविता कुकिंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।